जी बोलो लास्ट टाइम चंदा। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो 2 मंथ का 70K आ गया था। तो ओके फिर मैंने लाइन भाई से बात की, मैंने लाइन भाई से बात की, लाइन भाई ने बाबा को मेडिटेशन दी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने लाइन भाई को बताया कि लाइन भाई अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। लाइन भाई ने कहा कि सिस्टर जायरा से कॉन्टेक्ट कर लो। फिर मैंने सिस्टर जायरा से बात की, सिस्टर जायरा ने मम्मा को टारगेट वजीफा दिया 6626 का। देन उसकी मम्मा ने सुबह सारे वजीफा कंप्लीट किए, उसकी नाइट को ही हमें 70K की बजाय 80K का जो है ना वो इंतजाम हो गया। तो शाह साहब हम लोगों ने अब जो अपना जो ये मीटर है ये लेकर आना था हमने, क्योंकि मीटर जो है वो उतार कर ले गए थे। फिर हमने जो है वो किसी से वायर हमने वायर लेके किसी से इलेक्ट्रिसिटी ली। तो फिर इसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो वायर है वो भी उतार के ले गए ना। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया, मैंने कहा शाह साहब इस तरह हो गया। आपने कहा ठीक है सिस्टर जायरा अभी आपसे रब्ता कर रही है, उनके पास पावर हब है जो वो आपको देंगी। तो फिर मैंने सिस्टर जायरा से बात की, सिस्टर जायरा ने मुझे बस्ती दुआ दी देखने के लिए। वो जैसे ही मैंने कहा ठीक है मैं कज़न की तरफ जा रही हूँ तो वहाँ पे जाके कंटिन्यू करूँगी। और मैंने उस दिन जाके जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया उसी रात को 4 या 5 बजे जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है लग गई थी। गुड। और इसके बाद जो है जो मजीद 1,50,000 का और कहीं से अरेंजमेंट हो गया था। लाइक टोटल मुझे 70K चाहिए था लेकिन 2,30,000 का अरेंज हो गया था। ये रहा ये मैसेज, ये रहा, ये यूके के नंबर पे हैं और इस तरह मैं डील करता हूँ यूके के नंबर पे। ये इन्होंने ज़िंदगी में नहीं किया कि दुआ और तवज्जो करते हैं। जब मुसीबत खड़ी होती है देन शी कॉन्टैक्ट्स मी एंड देन आई रिस्पॉन्ड एंड देन आई गेट थिंग्स डन फॉर देम। तो ये लफंटरों को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ को, ठीक है ना? बट गुड है, ठीक है ना? और शाह साहब यस बसरी वजीफा था इनका। हाँ मुझे पता है, बसरी वजीफा था, मुझे पूरा इंसिडेंट याद है। मैंने कहा रात तक आ जाएगी, क्या हो गया, परेशान मत हो। और सिस्टर जायरा के पास पावर हब दे दिया, जस्ट गो एंड डू व्हाट शी आस्क्स यू टू डू, दैट्स इट, ठीक है ना? और अभी ये टेस्टिमोनी हो